खो चुके हैं। दिल्ली में कल बैठा था उससे पहले वो। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उस बैठक के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। 6 महीने बाद दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में पार्टी में संगठन बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने करीबी राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बना सकते हैं। संजय झा अभी राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में संजय झा के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से जगह नहीं बन पाई। संजय झा बिहार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार की राजनीति से निकालकर अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में इन्हें सक्रिय किया है। असल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उम्र की वजह से बहुत ज्यादा संगठन को लेकर सक्रिय रहने की स्थिति में नहीं है। अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी को आगे करना जरूरी है। यही वजह है कि संजय झा का नाम आगे चल रहा है। इसी साल जनवरी महीने में जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता टूटा, फिर बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आए। माना जाता है कि जेडीयू और बीजेपी को दोबारा साथ लाने में संजय झा की भूमिका अहम रही। संजय झा को बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों की कड़ी माना जाता है।